देखिए फ्लाइट है हमारे लिए, फिर आज ही हम लोग इंशाल्लाह आपको मस्जिद नबी ये पूरी का जो प्यारी जो मस्जिद है माशाल्लाह उसकी भी ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह। हम लोग रोज़े मुबारक पे सलाम भी देंगे। और मदीना शरीफ की तो क्या बात है, मतलब इतना सुकून है यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। सब हम लोगों ने ऑर्डर किया है, अभी हमारे सामने पूरा बनाई है, देखिए यहाँ पे तैयार हो रहा है एकदम फ्रेश माशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह जबरदस्त। अपना चैनल का नाम दिखाओ भाई साहब को। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद सलाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या अबी वला। फ़िलहाल हम लोग हैं बहरीन में और हम जा रहे हैं माशाल्लाह मदीना शरीफ, हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा शहर, और वहाँ पे हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, और वहाँ पे उनकी प्यारी जो मस्जिद है मस्जिद नबी माशाल्लाह, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हम लोग उमरा करने जा रहे हैं, ताकि हमारे साथ में पूरी फैमिली में साथ है। अस्सलाम वालेकुम मदीना शरीफ। तो बस ये हमारा ये जो ब्लॉग रहेगा, बस हम लोग बहरीन में 2 घंटे का स्टे, फिर मदीना शरीफ की फ़्लाइट है हमारे लिए, फिर आज ही हम लोग इंशाल्लाह आपको मस्जिद नबी ये पूरी का जो प्यारी जो मस्जिद है माशाल्लाह उसकी भी ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह। हम लोग रोज़े मुबारक पे सलाम भी देंगे पेश करेंगे, और पूरे ब्लॉग में हमारे साथ में रहिएगा। और इंशाल्लाह आज हम लोगों ने नुसुक ऐप के थ्रू ये रियाजुल जन्नत में अपॉइंटमेंट भी लिया हुआ है, तो हम लोग वहाँ जन्नत की कैरी में नमाज ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला के साथ में। तो चलिए बस वेट करते हैं और 2 घंटे बाद मदीना शरीफ की फ्लाइट पकड़ते हैं। मदीने चला मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, मेरे आका का दर होगा पेशे नज़र, चाहिए और क्या मैं मदीने चला झूमता। बस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मदीना शरीफ माशाल्लाह, और मदीना शरीफ तो के एयरपोर्ट में बहुत सुकून है यार, मैं बाहर आया इतना सुकून है यहाँ पे, मतलब आप मदीने की बात ही और है, मदीने के हर जगह सुकून ही सुकून नज़र आता है माशाल्लाह। बस अब हम लोग होटल में चेक इन करते हैं, और फिर हम लोग थोड़े बहुत फ्रेश होंगे, फिर चलेंगे मस्जिद नबी की ज़ियारत कराएंगे आपको, और उसे मुबारक पे जाएंगे माशाल्लाह, सलाम पेश करेंगे हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और फिर आज हमारा रियाजुल जन्नत का भी अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ेंगे माशाल्लाह। के जो पहाड़ हैं जो हुज़ूर पाक ने फरमाया कि इनको हमसे प्यार है और इनसे प्यार करते हैं, और यहाँ पे वो जंगी औरत भी हुई थी, तो ये भी इंशाल्लाह आपको ज़ियारत करवाएंगे जब हम एक ज़ियारत के टूर पे जाएंगे। तो ये मस्जिद नबी की मीनार नज़र आ रही माशाल्लाह, कितना दिल को सुकून देने वाला मस्जिद है माशाल्लाह। बस हम लोग होटल में जा रहे हैं, चेक इन करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत ही हमारी होटल ही है ना, देखिए मस्जिद नबी की मीनारें हैं माशाल्लाह, और ये पुल में जमजम हमारी होटल है, ये देखिए ये हमारी होटल है। चलो चेक इन करते हैं और फिर आपको पूरा रूम भी दिखा देते हैं माशाल्लाह। हमको 135 रूम नंबर मिला है माशाल्लाह, और हमारा सूट है। Mm-hmm.
ये हमारा रूम है माशाल्लाह। ये हमारा टेबल है यहाँ पे, खाली कर रहे दो वर्षों में यहाँ पे चलिए देखिए हमारे चार बेड हो गए माशाल्लाह, यहाँ पे चार बेड हो गए हमारे, पूरा ये रूम हो गया और एकदम मस्जिद नबी के एकदम पास में माशाल्लाह। तो ये मैंने पुलमैन बुक करी थी और सबसे बड़ी बात वॉकिंग डिस्टेंस पे है मस्जिद नबी माशाल्लाह, बस आप वॉक करें। और जो वुमेंस के लिए फ्री शटल ये लोग सर्व मतलब ये लोग चलाते हैं हर 15 मिनट में, ताकि जो औरतों का जो सेक्शन है वो दूर की तरफ है, इससे आप जाएंगे तो सीधा आपको गेट के बाहर उतारेंगे ताकि आप आराम से आज दे सकें। चलिए बैठते हैं और फिर आपसे आगे चल के बात करते हैं। आप दे सकते हैं इसमें आप गर्म कर लें, ये देखिए खाना गर्म कर सकते हैं आप, ये देखिए सब कुछ आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए बस रेस्ट करते हैं, एकदम आ रही है तो हमें बैठो अब ये अपने सारे पासपोर्ट करवाते हैं। देखिए माशाल्लाह कुरान शरीफ मिल जाएगा आपको यहाँ पे इनके पास लॉकर्स है, आप प्रेस कर सकते हैं, प्रेसिंग का जो स्टैंड होता है वो आपको यहाँ है माशाल्लाह इनके पास में, मतलब ऑल टुगेदर सारी चीज़ें आपको ये सब चीज़ें मिल रही है यार। पुलमैन जमजम इज द बेस्ट होटल एकदम मदीना शरीफ के मतलब मस्जिद नबी के एकदम पास में। चलिए फ्रेश होते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, फिर चलते हैं अपने बार का हाल अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मस्जिद मस्जिद नबी। तो माशाल्लाह बस मस्जिद नबी में जाने की तैयारी है, हम लोग बस तैयार हो गए माशाल्लाह। मस्जिद नबी में जाएंगे तो मैंने कहा चलो हम लोग थोप पहनेंगे माशाल्लाह। ठीक है रेडी। अरे कहा वालेकुम अस्सलाम, कैसे सब कैरियत तैयार हो गए आप हजूर पाक के बारगाह में सलाम पेश करने के लिए? चलिए बस यहाँ पे क्या है कि मेरा जो वॉइस था वो चला गया था बिकॉज मेरे माइक कनेक्ट नहीं हुए हुए थे और इसकी वजह से आवाज़ चली गई। तो ये हम लोग जा रहे थे मस्जिद नबी, हम लोग बस आए थे वहाँ से लैंड किया चेक इन किया और फिर सीधा हम लोग मस्जिद नबी के लिए माशाल्लाह हम लोग निकल गए। होटल बहुत अच्छी है माशाल्लाह और हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हमारा स्टे यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं ना सामने होटल के सामने ये बस जो खड़ी है पुलमैन जमजम फ्री शटल चलाते हैं, जैसे औरतों का जो सेक्शन है वो पीछे की तरफ है तो उनके लिए ये लोग फ्री बस सर्विस चलाते हैं ताकि आप आराम से ये बॉट्स यहाँ पे औरतें रोज़े मुबारक पे जा सकें और मस्जिद नबी में जा सकें। ये हर 15 मिनट में आपको बस लेके जाएगी और आएगी, पूरा आपको शेड्यूल ये लोग देंगे ताकि आपसे बस मिस नहीं हो। तो ये बहुत अच्छी सर्विस मुझे लगी यार माशाल्लाह। चलिए आगे जाएंगे ताकि वह देखेंगे कितना करीब है मस्जिद नबी हमारे होटल से, मतलब सिर्फ मेरे को लग रहा है 50 मीटर या मतलब 50-60 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा ये। तो जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको बस वो गेट दिख जाएगा और वहाँ से सबसे बड़ी बात जो गुंबद-ए-खजरा आपको वहाँ से एकदम साफ दिखाई देता है माशाल्लाह। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अभी आपका यहाँ पे आना हो तो आप ये जो होटल मैं पूरा रेकमेंड करूँगा और काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगा। चलिए बस हम लोग ये मस्जिद नबी पहुँचने वाले हैं, वॉइस ओवर कर रहा हूँ बिकॉज मेरा माइक इसमें कनेक्ट नहीं था तो उसकी वजह से आप लोग मेरे को इसके लिए माजरत चाहता हूँ कि कनेक्ट नहीं था। देखिए ये देखिए सामने जो है ना ये आपको गेट दिख रहा है मस्जिद नबी में अंदर जाने का और यहाँ पे ही गुंबद-ए-खजरा माशाल्लाह एकदम पास में आप देख सकते हैं, आप वहाँ पे ज़ियारत कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं वहाँ पे। चलिए जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किससे। तो बस हम लोग अब नमाज के लिए मस्जिद नबी जा रहे हैं माशाल्लाह। जैसे आपको पता ही है
ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि आपको मैं दो तीन क्लिप्स में, बस ज़्यादा क्लिप्स नहीं है, दो तीन क्लिप्स में आवाज़ नहीं आए आई है। तो माशाल्लाह बस हम लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और फिर आगे चल के आपसे हम लोग बात करेंगे। बस आप दुआ में याद रखें और दुरूद सलाम पढ़ते रहे। अस्सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु सलाम अलैका या हबीबल्लाह। तो माशाल्लाह भी हम लोगों ने असर की नमाज़ पढ़ ली माशाल्लाह। था क्या नमाज़ पढ़ ली आपने मस्जिद नबी की? तो क्या बात है माशाल्लाह, एकदम नूर ही नूर बरस रहा है माशाल्लाह। और सामने हम लोग जहाँ बैठे वहाँ से एकदम गुमद खजरा उसकी ज़रूरत हो रही है माशाल्लाह। हम आपको दिखाते हैं, ठीक है माशाल्लाह। हमारे प्यारे नबी की प्यारी मस्जिद माशाल्लाह, मस्जिद नबी। हम लोगों की इंशाल्लाह अल्लाह ने इंशाल्लाह रोज़े मुबारक को भी सलाम पेश करेंगे और फिर आज हमारा जन्नत की कैरी में भी हमारा परमिट हमको मिल चुका है। तो ज़्यादा जन्नत में भी हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे बस माशाल्लाह। देखिए आप मस्जिद नबी की रौनक, देखिए हम लोग मस्जिद नबी में घूम रहे हैं माशाल्लाह। मस्जिद यहाँ पे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं बच्चे यार माशाल्लाह। यहाँ पढ़ते हुए देखिए सब इनके जो इमाम साहब यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं मस्जिद नबी में माशाल्लाह माशाल्लाह। और इफ्तार की तैयारी हो रही है बस, देखिए सब बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एकदम रोज़े मुबारक के पास वाले जो हिस्सा है देखिए वहाँ से रोज़े मुबारक के लिए हम लोग सलाम पेश करने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए तो माशाल्लाह बस रोज़े मुबारक में हम लोग हाज़िर होंगे माशाल्लाह। देखिए अस्सलातु सलाम अलैका या रसूल सलाम पढ़ना चालू कर दे बेटा। तो माशाल्लाह हुजूर पाक के रोज़े मुबारक पर सलाम भी पेश हो गया माशाल्लाह। मैं क्या मतलब क्या बयान करूं, क्या कैफियत है हमारी यहाँ इस समय कि जो कैफियत मैं लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकता माशाल्लाह। तो हम जैसे गुनहगार बंदे और मस्जिद नबी और हुजूर पाक के रोज़े मुबारक अल्लाह अकबर। बस अब हम लोग हम लोग मगरिब की तैयारी कर रहे हैं। अब नमाज़ हो गई, क्या मतलब मेरी क्या कैफियत है वो मेरे दिल जानता है कि मैं अभी इस समय क्या मेरे अंदर चल रहा है। रोज़े मुबारक पे हाज़िर हुई हम जैसे गुनहगार बंदे और हम लोग मस्जिद नबी में घूम रहे हैं। चलिए मगरिब का वेट करते हैं। पीछे देखिए गुम्बद खज़रा माशाल्लाह। तो साहब अब हम जा रहे हैं वापस मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए माशाल्लाह। असर आपने देखी वो यार दो तीन क्लिप में मेरी आवाज़ आई नहीं, इसलिए मैं वॉइस उसके अंदर वॉइस ओवर करूँगा। उसके बाद फिर चलेंगे अपन खाना खाने के लिए, क्योंकि अपना जो चैनल है वो खाने के बारे में भी बताता है। लेकिन आज ये मदीने शरीफ माशाल्लाह जो सबसे बेहतरीन शहर है दुनिया का, उसमें ब्लॉगिंग भी करेंगे, ज़्यारत भी कराएँगे और खाना भी खाएँगे। देखिए जैसे जो
लोग जो ज़ारत के लिए आते हैं, जो ज़ायरीन आए हुए हैं, वो सब मगरिब की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए, इट्स टाइम फॉर मगरिब, माशाल्लाह। ये बस आप देख रहे हैं ना, ये आप एक ही बस में आपको बहुत सी ज़ारतें करवाएंगे, तो इसका एक पॉइंट बना हुआ है, वहाँ से बस भी बुक कर सकते हैं। माशाल्लाह देखो, ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, और काफ़ी सारी जगह पे आपको लेके जाएंगे। चलिए साहब, मगरिब पढ़ लेते हैं, बस देखते रहो, दीदार करते रहो बस। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। चलो साहब, मगरिब पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर से रोज़े मुबारक पे हाजिर होंगे और हमारा सलाम पेश करेंगे। चलिए, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल, कदम कदम पर पहुँचना दर पर, तो कहना आका सलाम लीजिए, गुलाम आया ज़हे मुकद्दर, हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नजरें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुकद्दर। मगरिब, माशाल्लाह। माशाल्लाह, मगरिब की नमाज़ हो चुकी है, अब बारी है ताह को, भूख लग रही है। माशाल्लाह, भूख लग रही है आपको ताह? तो इंशाल्लाह पहले हम लोग खाना लेंगे और देखते हैं हम लोग कहाँ से खाते हैं। हम सोचते हैं इस बार टर्किश कुछ ट्राई करेंगे। तो चलिए एक बार पहले हम लोग मस्जिद नबी से बाहर निकलते हैं। माशाल्लाह, मस्जिद से बाहर आने का मन नहीं करता है, इतना ज़बरदस्त नूर बरस रहा है। देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बस बैठे रहो अंदर, बस अल्लाह ताला ऐसी हाजिरी, हम लोग आते रहे बस यहाँ पर। माशाल्लाह, चलिए चलते हैं बाहर। माशाल्लाह, हुदा टर्क में खाना खाने के लिए, ये टर्किश रेस्टोरेंट है, था हमारे साथ में। एक हम लोग वहीं खाएंगे और अम्मी के लिए पैक करा के लाएंगे ये होटल में। तो चलिए सीधा चलते हैं हुदा टर्क और वहाँ चल के ज़बरदस्त टर्किश खाना ट्राई करते हैं। जस्ट रीच्ड हियर हुदा अल टर्क। ओह यस, डेफिनेटली, हाँ, सी कबाब। चलो पैसे दे दें या फिर हम लोग यहाँ का खाना ट्राई करना है। तो हुदा टर्क में आए, माशाल्लाह, इट्स समथिंग। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। यहाँ पे मुझे मिक्स ग्रिल है उनकी, वो ट्राई करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है साहब आपका? फैसल अहमद। तो हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं, हम क्या ट्राई करना चाहिए यहाँ पे? मिक्स प्लेट अच्छा, मिक्स प्लेट अच्छा रहेगा। ये कितने का पड़ेगा अपने? किलो है, नुस किलो है। हाँ, एक किलो कितने का पड़ेगा? 10 स्टिक आएगा। हाँ, कितने आएगा? 100 रियाल का आएगा उसमें। और जो एक और जो है वाला, जो छोटा वाला है, 5 स्टिक है। तो एक तो आप वो कर दें, 100 रियाल वाला एक स्टिक वो कर दें, और फिर हम लोग एक और पार्सल भी कराएंगे।
तो चलिए देखते हैं हमारे सामने ग्रिल तैयार करना। चलिए एक हमने इनका मिक्स ग्रिल लिया है, किलो मिक्स किया, हाँ किलो वाला, ठीक है। और तो फिर मैं खा लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग पैक भी कराएंगे। देखो एकदम इतना ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे, और हम लोग आपको ऑथेंटिक टर्की खाना खिलाएंगे। इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें। आप यहाँ बैठ सकते हैं, बाहर अंदर भी इनका है लोकेशन, लेकिन जो बाहर जो हवा में खाने का मज़ा आता है ना ग्रिल, वो कहीं और नहीं आता। देखिए तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं, आज ये पूरा ब्लॉग हम लोग यहाँ खाने पे पीने पे ख़त्म करेंगे पूरा। आपने देखा कि हम लोग कैसे मदीना शरीफ में आए, हमने फुल मैन बुक किया माशाल्लाह, और फिर हम लोगों ने मस्जिद नबी में मगरिब पढ़ी और असर भी पढ़ी माशाल्लाह। चलिए ये देखिए इनका पूरा मेन्यू है। नाम यार, नाम मेरा तो इतना कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन मेरे को यहाँ का मिस ग्रिल बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा इनका ग्रिल ट्राई करेंगे। इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आपको ऑथेंटिक टर्की खाना खाना है तो आपको टर्किश खाना खाना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा हुदा अल्टर। ये देखिए पूरा ग्रिल हो रही है, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये सब हम लोगों ने ऑर्डर किया है, अभी हमारे सामने पूरा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे तैयार हो रहे हैं एकदम फ्रेश माशाल्लाह, क्या बात है। हम लोग पूरे इंडिया से, यार मैंने कहा ये जब से मेरा उम्रा आने का हुआ था तो मैंने देखा था इनका वीडियो, तो मैंने कहा था चलो हम लोग भी यहाँ पे ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया। चावल देखो ये क्या है, बकलावा है यार, क्या बात है, एकदम ऑथेंटिक आपको बकलावा भी यहाँ मिल जाएगा। तो माशाल्लाह मैं जब से मैं आया हूँ ना, मैं जब ऑर्डर दिया था ऐसी खुशबू आ रही है यहाँ पे कि आपको क्या बताएं। ये देखें और भाई साहब कितनी मेहनत से बना रहे हैं यार माशाल्लाह। देखिए कि जो नान है वो ट्रैक वो इन्होंने बनाया, इसका ये हमारे सैलेड है, क्या बात है ज़बरदस्त। और टर्किश जो सैलेड है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है, देखिए इसमें इन्होंने लैटिस है, इसमें नींबू इन्होंने काटा है, इसमें टमाटर है, क्या बात है। और ये देखिए रोटी बनाने ज़बरदस्त, सालन भी यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखिए ये भिंडी की सब्ज़ी है, कौन कौन सी भैया ये भिंडी की सब्ज़ी है, क्या बात है। और कीमा का साथ कीमा है जी जी, और चावल चावल है, चिकन है माशाल्लाह। और ये देखिए रोटी, देखो यार रोटी कितनी अच्छी बना रहे, देखिए क्या बात है, ये देखिए क्या बात है माशाल्लाह। ये हाय 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 ज़बरदस्त, अभी दिखाता हूँ आपको, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अपना चैनल का नाम दिखाओ भाई साहब को, अभी इसमें तंदूर में इसको बेक करेंगे। ये देखिए ये देखिए क्या बात है ज़बरदस्त। और ये क्या बन गया, निकलने पा रहे यार ज़बरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। नान देखो कितना फ्लफी हो गया, वो अंदर एक और क्या भैया, एक और क्या साथ में चिकन है, अच्छा ज़बरदस्त खुशबू, खुशबू देखो यार जो बेक किया ना उन्होंने, वाकई में ज़बरदस्त। ये देखो ये नान रेडी है माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। और ये इनकी फ्रॉम इंडिया मुंबई, ये इनका ग्रिल चिकन है, लुक कितना जूसी यार, जूसी देखो माशाल्लाह, और काफ़ी ज़बरदस्त साइज़ है, साइज़ है। और ये स्किन के साथ में ना, ये देखिए क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। हमारा तो ग्रिल वो है बस, ये हमारा जो मिक्स प्लेटर आ चुका है यार माशाल्लाह, कलर देखो यार, साथ में राइस है। और ये देखिए ये ज़बरदस्त, इसमें कौन कौन से कबाब है, हाँ हाँ हो हो सी कबाब भी है ना, जज़ाकअल्लाह। किस ग्रिल आ चुका है देखिए आप, इसमें ये देखिए सब टाइप के, इसमें चावल भी है यार देखिए, चलो उसको ट्राई करते हैं। सबसे मैं सी कबाब ट्राई करता हूँ यार, आए हाय हुमस है, हुमस मिक्स प्लेट है, मिक्स, हाँ मिक्स ले गए हैं, मिक्स हाँ एक मिक्स ले गए, तो हुमस भी ट्राई करेंगे यार। सी कबाब तो वाकई में लाजवाब है यार, चावल के साथ में ट्राई करते हैं।
चावल की रोटी तो खिली खिली सी एकदम चावल। और मदीने शरीफ में यार एकदम ओपन एयर में खाने का मज़े ही कुछ और है। अगर आपको ऑथेंटिक टर्किश खाना मिल जाए आपको और क्या चाहिए। और ये हमारा हुमस मिक्स बैटर आ गया। देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 टाइप के आपको हुमस मिल जाएंगे। चलो इसको भी ट्राई करते हैं हुमस के साथ में। पेप्सी दो। एक नंबर यार माशाल्लाह। चिकन सलाद भी बहुत ज़बरदस्त दिया इन्होंने यार। सलाद की भी इसमें थोड़ा बहुत मिठास बने, इसमें इन्होंने थोड़ा बहुत ऑयल यूज़ किया, उससे जो फ्लेवर्स आ रहे हैं ना वो वाकई में लाजवाब है। देखिए ये मिर्ची का है। बहुत तेज़ी में ये सब चीज़ आपको ट्राई करनी है तो आपको हुदा टर्क पर आना पड़ेगा। इनकी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें। और पास में ज़बरदस्त रोटी, क्या बात है। चलिए हुमस मुझे बहुत अच्छा लगा यार इसको। चलिए पूरा ख़त्म करते उसके बाद बात करते हैं। माशाल्लाह यार हम लोगों का जो टर्की खाना था ना वो एक नंबर था। सीख कबाब थे इसमें, इसमें चिकन टिक्का था, इसमें विंग्स थे और सारे एक से बढ़कर एक फ्लेवर्स मुझे लगे। और साथ में जो हुमस लेके आए ना वो तो सोने पे सुहा का था यार, मज़ा आ गया। कैसा लगा आपको? और सबसे बड़ी बात ये जो बन इन्होंने दी ना रोटी वो हुमस के साथ में इतना ज़बरदस्त लग रही थी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर मदीने शरीफ आपका कभी आना हो तो हुदा अल टर्क में आप ज़रूर आएँ और यहाँ पे ज़बरदस्त इनकी ग्रिल ट्राई करें। चलिए इसी के साथ हम लोग आज आपने पूरा देखा हम लोग कैसे यहाँ मदीने शरीफ में आए माशाल्लाह, कैसे हमने मस्जिद नबी की ज़ियारत की, रोज़े मुबारक पे गए। सब अल्लाह ताला का फजल व करम था कि हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। हुज़ूर पाक ने का बहुत करम नवाजी थी कि हम लोगों ने, हम जैसे गुनहगार लोग भी यहाँ पे आए। फिर बस हम लोगों ने खाना खाया। अब आज ये पहला वीडियो मदीने शरीफ में ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहें और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें बिकॉज़ लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।